लगा है परमानेंट, मतलब कभी भी निकलेगा। इसलिए रख देते हैं अभी कुछ देर, काफ़ी अच्छा हो गया है। दीपावली की सफाई हो रही है, थर्ड सर्विस हो गई उसकी। पहले में यार अपना एक अभी फोन आया था एक बाहर ने, अभी से तो शॉप बंद है। आज पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ अपने, अभी फिलहाल ये मेरे हेलमेट पे लगा हुआ था, इससे मेरे को काफ़ी दिक्कत आ रही है, मतलब ना ये बार बार मुंह पे इधर लग जा रहा है, कभी उधर लग जा रहा है, इसलिए मैंने इसका परमानेंट जुगाड़ ढूंढ लिया। इसकी जगह मैंने लगाया ये इसे मैं मेरे GoPro के साथ मिला था, GoPro Hero 9 के साथ, इसे मैंने यहाँ करके पेस्ट कर दिया। स्टिकर वाला था ये, मतलब स्टिकर निकालो चिपका दो, लेकिन इस पे एम सील लगाने जा रहा हूँ मैं। ये एम सील है, इसे लगा के इसे परमानेंट बना देंगे हम यहाँ पर अपना, परमानेंट हेलमेट हो जाएगा ये, परमानेंट मतलब कभी भी निकलेगा नहीं। लुक थोड़ा सा वियर्ड सा लगेगा, लुक भी क्या वियर्ड लगेगा, ठीक है देख इसको एम सील पे लगा के दिखाता हूँ। देखो मेरे इसके साथ क्या कर रही हो आप, और क्या देख ये देख आ गई रिया, देखो GoPro का वो स्टैंड लेके क्या कर रही है। ओए दे दो आप, दे दिया भाई, बात मानती है लेकिन। देखो अभी मैंने इस पर चिपका चुपको के रेडी कर दिया है, देख रहा एमसी लगा दी तीनों चारों तरफ, हमारा हेलमेट कैमरे के लिए रेडी हो गया पूरी अच्छी तरह से। ये हमारा R2K फील बर्ड अच्छी तरह से, इसे सूखने के लिए रख देते हैं अभी कुछ देर, उसके बाद इसे टेस्ट करेंगे। आप देखोगे ये आधे घंटे के बाद सूख के, मतलब काफ़ी अच्छा हो गया है ये, अब हिल नहीं रहा। यहाँ पर मैं अपना ये GoPro है, GoPro Hero 9, इसे लगा के मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर सकता हूँ, इसे लगा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पर लग चुका है, इस पर GoPro की लॉग वो हो रखी है ब्रांडिंग। ये हमारा GoPro यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो गया, मम्मी के बर्तन गिर गए यहाँ पर, मम्मी देख रही है, दीपावली की सफाई हो रही है ना। देखो हमारा हेलमेट अच्छे से तैयार हो गया, और ये गधा यहाँ लाइसेंस छिल रहा है, मोटो व्लॉगिंग के लिए रेडी है हमारा पूरा हेलमेट, पूरा सेटअप। माइक आपको पता ही है अंदर फिट है, वो गिर गया था उसकी वजह से मैंने ये लगा रखा है यहाँ पर माउनो का माइक के आगे। सारा सामान बिखरा पड़ा अभी हमारा दीपावली की सफाई के चक्कर में। ये मेरा लैपटॉप टेबल है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने अपने हेलमेट में ये तो फिक्स कर लिया है। अभी मेरी बाइक में एक सर्विस लाइट आ रही है, जबकि मैं उसकी ऑलरेडी दूसरी सर्विस को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी तो उसे 1000 ही किलोमीटर चलाया, उसने कहा था कि 10,000 रुपये थर्ड सर्विस होगी उसकी, और उसमें अभी से ही 1000 किलोमीटर के बाद ही सर्विस लाइट जलने लग गई है। देखते हैं अभी इसको भी चेक करेंगे, और सर्विस लाइट वाले को भी दिखाएंगे सर्विस सेंटर जाके, मिलते हैं सर्विस सेंटर वाले के वहाँ या रास्ते में मिलते हैं इससे। अभी मैं जा रहा हूँ अपने सर्विस सेंटर इस बाइक को लेकर, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, 3:16 हो गए। ये देखो जिस सर्विस लाइट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंजन लाइट के बगल में बिल्कुल ये सर्विस लाइट पता नहीं अभी से ब्लिंक क्यों करने लग गई, सर दिमाग ख़राब। अभी 3,500 रुपये मैंने सर्विस कराई थी इसकी, सेकंड सर्विस जल्दी करा दी थी, बट हाँ करा दी थी किसी वजह से, है ना, उस समय मेरे को पता नहीं था कब क्या होता है इसकी सेकंड सर्विस का। लेकिन इसकी थर्ड सर्विस उन्होंने बोला था कि 10,000 रुपये कराएंगे, बट इसकी सर्विस लाइट 5,000 रुपये आने लग गई, 5,700 रुपये, 5,500 रुपये इसकी सेकंड सर्विस की लाइट आने लग गई थी। आज इसको सर्विस सेंटर ले जाके इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। पहले अपने एक दोस्त को पिक करने जाता हूँ यहाँ से, चलो
चलते हैं अपने सर्विस सेंटर। मेरे को ना वैसे बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इसका पूरा ओवरव्यू पूरा का पूरा रिव्यू दूंगा मैं एक बार और कि इसके तीन की तीन सर्विस पे मेरे को कैसा क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है क्या क्या हुआ। बट अभी तो फिलहाल मस्त चल रही है भाई, और माइलेज वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे इसके। आइसक्रीम वाले भैया निकलो, हमारे सागरपुर में यही है यार, छोटी छोटी गलियां गलियां साले तोड़ देते हैं ये लोग, बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं। यहाँ अभी तो आपको सारी दिख रही होगी बट है यहाँ प्रॉब्लम। खैर आप आपसे मिलते हैं, अपने दोस्त पिकअप करता हूँ पहले मैं। आगे हम अपने फ्रेंड के घर के बाहर आ रहा है, वो बस दो मिनट में आ रहा है, सामने ही है वो। मीट माई फ्रेंड सूरज बिग ब्रो, चल ले भाई। पैसे किस बात के, गारंटी में भाई गाड़ी, पता नहीं किस बात की सर्विस लाइट दे दी है। किस चीज़ के लिए होने चाहिए भाई पैसे, खाना पीना ऐसे अब तो भूस भी खिलाओ साले को आने के लिए है। देखो ले जाने के लिए भूस भी खिलानी पड़ेगी क्या? हाँ अभी दे रहा हूँ देखो भूस ले। आज हाँ तो खुद खा ले सेब साले, अभी नहीं खा रहा मैं। मिलते सर्विस सेंटर में। अभी हम पहुँचने वाले अपने TVS के सर्विस सेंटर में, वहाँ जाके इस बाइक का दिखाते हैं क्यों आ रही है ये सर्विस लाइट। फिलहाल आप हमारे अंदर वाले इस पटरी का मजा लो। मजा तो क्या ही, लोग घर बन रखे चारों तरफ में। जब से हमारा ये सागरपुर का पुल बना है ना, लोगों की पार्किंग की दिक्कत खत्म हो गई है। हाँ ये सागरपुर का पुल भाई यहाँ पार्किंग के लिए यूज होता है बस। हाँ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, जिसके पास गाड़ी पार्किंग के लिए जगह ना हो उसको गाड़ी मत दो। ये देखो ऑडी खड़ी है भाई, ऑडी बट हाँ यहाँ से चोरियाँ भी होती है गाड़ियाँ। खैर छोड़ो, हम तो बस बाइकों के शौकीन हैं। ट्रक सड़क सब चलते हैं इस रोड पुल पे। हैं? हाँ एक तो यहाँ इतने ज़्यादा ब्रेकर बना रखे हैं इस पुल पे, पता नहीं क्या ही करेंगे ये इतने ब्रेकर बना बना के, हर 100 मीटर बाद दो ब्रेकर। चलो ये आ गए हम अपने TVS के सर्विस सेंटर में, यहीं जाके दिखाते हैं अपनी बाइक को, घुमाते से न्यूट्रन लेते हैं। अबे यार ट्रैफिक दिल्ली में, उसकी प्रॉब्लम दिखाते हैं पहले यहाँ सर्विस सेंटर में एक बार। बात करते हैं इन लोगों से। बाइक तो अच्छी है भैया ने, अभी हमारा खुद ही कर दिया यार, दो बटन दबाए पता नहीं कैसे सर्विस लाइट गायब कर दी भैया ने, हम अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। है? भारी थे इनके इंजीनियर। इन भैया ने ठीक किया है, ये देखो उंगली दिखा रहे। तो भाई
बाइक की जो सर्विस लाइट की प्रॉब्लम आ रही थी ना, है भैया ने पता नहीं क्या किया इन दो बटनों के साथ और हमारी सर्विस लाइट हो गई गायब। जादूगर है यार इंजीनियर। हाँ भाई इंजीनियर होना बड़ी बात है यार। मेरा फोन आ रहा है, देखिए किसका आ रहा है, सौरभ जी। जो भी है किसकी है, किसकी सर्विस लाइट गायब होगी। बार बार चुभ रही थी मेरी आंखों में इसकी सर्विस लाइट, पता नहीं क्यों, बट हाँ इन द एंड सब ठीक हो गया। अब हाँ इसकी इस बाइक पे एक बार ना टेपिंग करानी थी यार मेरे को, अपने चैनल का नाम इसके सामने लिखवाना था, वो लिखवा के फिर घर चलते हैं, फिर चलते हैं घर। सीधा शॉप पे ही चलते हैं जहाँ इस पे वो टेपिंग होगी, मतलब जो डिज़ाइन वगैरह करेगा जहाँ पर। यार यहाँ हमारे इंडिया में ये चीज़ बहुत बेकार है, कहीं से भी तार निकाल देते, देख रहे हैं ना, फिर कोई भी ट्रक वगैरह आएगा उस जो तार टूट जाएगी। तारों को किसी चीज़ के अंदर लगाना चाहिए थोड़ा, फिर देख तारों को ऐसे गुच्छे से है ऊपर। खैर छोड़ो, वैसे बात ही यार शॉप ही बंद निकली यार ये टेपिंग वाली। हाँ खा रहे अभी से तो शॉप बंद है, कल ही कराएंगे इसमें टेपिंग का काम। हाँ आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं, कल जब इस पर टेपिंग कराएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको कल की। मिलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख ली, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। थैंक यू।